वेलकम फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है टेंथ क्लास का पीएच। प्रीवियस लेक्चर्स में हम एसिड्स, बेसिस, इनके बारे में पढ़ चुके हैं और इसके अलावा हमने इंडिकेटर्स भी पढ़ लिए हैं कि किसी भी सब्सटेंस का हम पता लगा सकते हैं कौन एसिडिक है कौन बेसिक है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं पीएच के बारे में। सबसे पहले तो इसको एब्रिविएट कर लेते हैं, पीएच ये जो वर्ड है इसमें ये जो पी है ये स्मॉल लिखना आपने, ये कैपिटल है। ये एक वर्ड होता है पोटेंश और एच मीन्स हाइड्रोजन। पोटेंश एक जर्मन वर्ड है, जर्मन भाषा का शब्द है ये, एंड इट मीन्स पावर। सो यू कैन से pH means power of hydrogen. pH means power of hydrogen. अब ये pH किसने दी, कैसे दी, इसके बारे में जान लेते हैं। 1909 की बात है, डेनमार्क के साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सोरेनसन। सोरेनसन डच केमिस्ट थे, डेनमार्क के थे, और ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि भाई इफेक्ट ऑफ आयन, यानी कि आयन्स का क्या इफेक्ट होता है प्रोटीन्स पर, इफेक्ट ऑफ आयन्स ऑन प्रोटीन्स, इसके ऊपर वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। कहां कर रहे थे? लेबोरेटरी का नाम था कार्लसबर्ग, बियर भी आती इस नाम की, कार्लसबर्ग लेबोरेटरी में भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई आयंस का प्रोटीन्स पर क्या इफेक्ट होता है, स्पेशली एच पॉजिटिव आयंस का। तो इन्होंने क्या किया, एक ऐसी स्केल डेवलप की जिससे हम किसी भी सब्सटेंस की पीएच का पता लगा लेते हैं कि उस स्केल पर रीडिंग कितनी है, उसके हिसाब से बता देंगे भाई इसकी पीएच भी कितनी है। तो इन्होंने क्या किया, उस स्केल पर 0 से 14 तक मार्क किया और 7 को इसने बीच में मान लिया। 0 से 14 है स्केल है, 1, 2, 3 इस तरह, फिर 7, 8, 0 to 14 इस तरह इसने कर लिया, 10, 11, 12, 13, 14 इसी तरह 3, 4, 5, 6, 7 ये। तो 7 जो है इसके ऊपर अगर किसी की रीडिंग 7 आती है, पीएच हम कहें कि भाई 7 आ गई, इसका मतलब होता है न्यूट्रल, नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। अगर 0 to 7 है तो वो एसिड है और 8 से 14 तक वो क्या है, बेस है। ये है पीएच स्केल जो सोरेनसन ने बनाई कि ये पीएच की स्केल है। अब इसके बारे में और बातें जान लेते हैं। देखो जैसे ही आप 1, 2, 3, 4 ऐसे आगे बढ़ रहे हो, इसका मतलब यह है कि आप न्यूट्रल की तरफ जा रहे हो, मींस एसिडिक करेक्टर कम होता जा रहा है। तो एसिडिक करेक्टर बढ़ेगा कब, जब आप इस साइड आओगे। इसी तरह बेस में क्या है, जब आप इस तरफ जा रहे हो इट मींस बेस बेसिक स्ट्रेंथ इज इंक्रीजिंग, और जब आप इस तरफ आ रहे हो इट मींस आप न्यूट्रल की तरफ आ रहे हो। तो एसिड स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ तब बढ़ेगी जब आप इस तरफ आओगे और बेसिक स्ट्रेंथ तब बढ़ेगी जब आप इस तरफ आओगे। बीच में कौन है, न्यूट्रल, यानी कि एज वी मूव दिस साइड इट मींस एसिडिक स्ट्रेंथ इज इंक्रीजिंग, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती जाती है, और इस साइड आगे चलेंगे तो क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजिंग, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती जाती है। अब इस बात को आपने बिल्कुल ध्यान में बैठा लेना है, यानी कि पीएच जिसकी ज्यादा हो, जैसे कि आप ये कह दिया जाए भाई पीएच है 3 और एक पीएच है 6, तो इनमें से कौन ज्यादा एसिडिक है, कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जैसे जैसे हम इस तरफ आते हैं तब एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, तो जिसकी पीएच 3 है
इस तरफ आ रहे हो जाने के, इस तरफ आ रहे हो तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, तो ये पढ़ने में तो ये कम है ये ज्यादा है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। इस तरफ जब आप आओगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, इट मीन्स ये जो है जिसकी पीएच 3 है इट इज मोर एसिडिक देन पीएच 6। हाँ, बेस का बढ़ता जाएगा, जैसे पीएच बेस की आपको कह दी जाए एक पीएच है 8 और एक पीएच है 10, तो ये मोर बेसिक होगा, क्योंकि जैसे ही आप इस तरफ बढ़ रहे हो तो क्या हो रहा है, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। अब इसको केमिकली कैसे कहें, भाई ये पीएच स्केल होगी, ये सोरेनसन ने दी थी, ये बातें तो होगी, केमिकली आप इसको कैसे बताएंगे, कैसे डिफाइन करेंगे? तो अगर हम केमिकल टर्म्स में बात करें केमिकली, तो क्या होता है, आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे 11 12th में कि कोई भी रिएक्शन है, देखो सारा खेल तो H2O का किया हुआ है, H2O जब टूटता है ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, यानी कि दोनों डायरेक्शन में होने वाली रिएक्शन। रिवर्सिबल क्या होती है, इन विच रिएक्टेंट्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स कैन बी कन्वर्टेड बैक इनटू रिएक्टेंट्स, यानी कि दोनों डायरेक्शन में होती है, फॉरवर्ड में भी और बैकवर्ड में भी। इसके टूटने से क्या बनता है, एच पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे, वो क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ जो अपने पास रिएक्टेंट है उससे डिवाइड करना होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट को, उसकी गुणा को, मल्टीप्लाई को। तो इसमें क्या होगा, एच पॉजिटिव ये स्क्वायर ब्रैकेट क्या है, इसकी कंसंट्रेशन इनटू प्रोडक्ट करो OH नेगेटिव, ये दोनों प्रोडक्ट अपने पास रिएक्टेंट से जो बने हैं तो इनकी गुणा करो, मल्टीप्लाई करो, और डिवाइड किससे करोगे, H2O की कंसंट्रेशन से। अब यहां पर ये H2O क्या है, डिवाइड है, इधर ले आओ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा K इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O इज इक्वल टू क्या आया, देखो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इनटू OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन। अब इन दोनों को कंबाइन करके कह देते हैं KW, KW मींस आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो KW क्या है आप अपने पास, KW इज इक्वल टू हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इनटू OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन, एंड दिस KW इज कॉल्ड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। और पीएच स्केल के ऊपर रीडिंग अपनी कहां तक है, मैक्सिमम 14 तक। तो एक बात और देखो, आप इस बात पर गौर करें, जैसे जैसे पीएच घटती है एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, क्योंकि जैसे जैसे इस तरफ आप आ रहे हो तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, यानी कि अगर आप पीएच को इंक्रीज कर रहे हो, जब पीएच इंक्रीज होगी इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि जैसे जैसे आप इस तरफ आओगे तो पीएच तो बढ़ जाएगी रीडिंग में तो, लेकिन एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इन दोनों का प्रोडक्ट जो है ये हमेशा, यानी कि 14 से ज्यादा आपके पास नहीं आएगा। अब ये एसिडिक स्ट्रेंथ और पीएच, इनका तो डायरेक्ट ताल्लुक तो नहीं हुआ, ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो केमिकली हम इसको क्या कह देंगे, केमिकली कह देंगे कि भाई ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि नेगेटिव लॉगरिथम। अब फार्मूला एग्जैक्ट क्या बनेगा कि पीएच क्या है, इट इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अभी देख लेते हैं, लिख लेते हैं इसको, पीएच को केमिकली हम ऐसे लिख सकते हैं कि पीएच इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ, ये नेगेटिव लॉगरिथम है किसका, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, यानी कि पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अब ये जो आयन की कंसंट्रेशन है
ये आपको दी जाती बहुत बार, इसके बेस के ऊपर एक दो न्यूमेरिकल भी हम करेंगे, तो वो कैसे होगी? जैसे कि मान लिया आपको कंसंट्रेशन दे दी, तो नेगेटिव पावर में आपको दी जाएगी, जैसे 10^-2 इस तरह से दे दिया कि भैया हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, तो उसकी पीएच आप कैसे निकालोगे? जैसे ये है अपने पास, अब पीएच क्या आएगी? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ, इसकी कंसंट्रेशन दे दी 10^-2। अब लॉगरिथम पता नहीं आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लोगे, 11th-12th में आएगा। तो उसमें क्या होता है, ये नीचे आ जाएगा -2 वाला, यानी कि माइनस है और फिर क्या आ गया -2, और यहां क्या आ गया लॉग 10। लॉगरिथम 10 की वैल्यू होती है 1, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो अपने पास पीएच की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। इस तरह से हम इनको सोल्व करते हैं। सिद्ध याद रखने की बात, अगर आप इसमें चक्कर में ना पड़ना चाहते हो तो ये है कि 10^ जो भी आपके पास दी हुई है वो उसकी पीएच है। 10^-6 कंसंट्रेशन दे रखी है, इट मींस पीएच क्या होगी अपने पास, 6 होगी। आपको दे रखी 10^-9, पीएच क्या आ गई, 9, यानी कि बेस है ये एसिड है। कंपेयर भी आपसे करवा लेते हैं, जैसे कि कह देंगे भाई पीएच एक है 3, एक है 6, एक है 9, तो बताओ कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। तो हम पढ़ चुके हैं 7 से नीचे वाले एसिड है, तो ये भी क्या है एसिड है, ये भी क्या है एसिड है, ये 7 से ऊपर है ये क्या है बेस है। फर्दर इन में आपसे कंपैरिजन पूछ ले भाई बताओ कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है, तो पीएच जिसकी कम होती है वो स्ट्रॉन्ग है, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक एसिड है। इस तरह से हम पता लगाते हैं पीएच का, कंसंट्रेशन से पता कर लेंगे। अब कुछ कॉमन सब्सटेंसेस की पीएच यहां लिखी हुई है, पहले ही मैंने लिख दिया आपका टाइम बचे, इनको देख लेते हैं, ये तो आप याद कर ही लेना मिनिमम है इतने। तो जैसे 1 मोलर HCl है तो इसकी पीएच होती है कॉफी 4.5 से 5.5 तक। मिल्क की पीएच है 6.8, यानी कि न्यूट्रल के नजदीक है ये बिल्कुल। ह्यूमन ब्लड एंड टीयर्स, ह्यूमन का जो ब्लड है और टीयर्स हैं, यानी कि पीएच उनका टेस्ट लगभग एक जैसा मिलेगा 7.4, थोड़ा सा अल्कलाइन है, स्लाइटली अल्कलाइन। 1 mNaOH 14, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है 14, इट मींस बेस है और 14 ही है पीएच, इट मींस वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। एसिड रेन 5.6, एसिड रेन क्या होती है, जब रेन गिरती है बरसात जब आती है तो एसिडिक ऑक्साइड जो है जैसे SO2 हो गया CO2 हो गया वो क्या करते हैं उसके साथ मिल जाते हैं और एसिड बना लेते हैं। जैसे अगर CO2 है तो H2O के साथ मिलेगा H2CO3 कार्बोनिक एसिड बना लेगा, सल्फर वाले हैं वो H2SO4 बना लेंगे। तो यानी कि जो बरसात गिर रही है उसमें एसिडिक ऑक्साइड मिले और एसिड बन गए तो वो एसिड की बरसात होगी, एक किस्म से एसिड की रेन होगी, इसी को क्या कहते हैं एसिड रेन। तो उसकी पीएच है 5.6। विनेगर है 3, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड है भाई, 3 है। तो वॉशिंग सोडा Na2CO3 जिसको बोलते हैं फार्मूला जिसका, इसकी है 9। स्लेक लाइम 10.5। तो ये कुछ सब्सटेंसेस हैं जिनकी पीएच यहां पे दी हुई है और पीएच ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं जहां भी हमें दी हुई हो कि कंसंट्रेशन इनकी, या फिर कंसंट्रेशन कई बार हमें निकालनी भी पड़ जाती है। तो आप किस चीज का ध्यान रखेंगे, पीएच स्केल है 0, 7, 14 है, इससे इधर आओगे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, यहां से इधर जाओगे तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। तो ये कुछ सब्सटेंसेस की पीएच है। पीएच तो जब भी पीएच को डिटरमाइन किया जाता है, जैसे कि सोरेनसन ने डिटरमाइन किया तो उसने दो बेस बनाए, यानी कि जब पीएच डिटरमाइन करनी थी तो उसके जो बेसिस थे, बेसिस उसके जो आधार थे वो दो थे। एक उसने पीएच निकाली विच इज बेस्ड, विच वॉज बेस्ड अपॉन इलेक्ट्रोड्स, जो इलेक्ट्रोड पर बेस थी, यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस के रूप में, और दूसरा वो डिटरमाइन कर रहा था बाय कंपेयरिंग कलर्स।
कलर्स को कंपेयर करके। तो इस तरह से दो तरीके इसने अपनाए, इलेक्ट्रोड्स और बाय कंपेयरिंग कलर्स। अब एक बात और पीएच के बारे में आप हमेशा याद रखेंगे, पीएच कैन नॉट बी नेगेटिव। पीएच कभी भी हमारे लिए नेगेटिव नहीं आएगी। अगर वो जीरो से कम आ गई, तो जैसे कि इलेक्ट्रोड के केस में आ गई जीरो से कम, तो हम कहेंगे कि जो भी सेल बना रहे हैं हम, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वगैरह, वो वर्क नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कई बार यहां पूछ लेते हैं, बफर सॉल्यूशंस। डिटेल में नहीं जाते, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं केवल। तो इसकी डेफिनेशन है, कुछ सॉल्यूशंस ऐसे होते हैं, सम सॉल्यूशंस, कुछ सॉल्यूशंस ऐसे हैं जिनकी पीएच डेफिनेट है, दे हैव डेफिनेट पीएच। अगर आप इस पीएच को बिगाड़ने की कोशिश करें, कैसे बिगाड़ सकते हैं, इफ यू डाइल्यूट, अगर आप इसको डाइल्यूट करो या फिर स्टैंड बाय मोड पे रख दो, तो आप कोई भी प्रयत्न करेंगे तो इनकी पीएच क्या होगी, यानी कि डाइल्यूशन के बाद भी और स्टैंड बाय के बाद भी वो डेफिनेट पीएच रहेगी, चेंज नहीं होगी। डेफिनेट पीएच एंड इट डज नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होती। ऐसे सॉल्यूशंस को कहा जाता है बफर सॉल्यूशंस, जिनकी पीएच चेंज नहीं होती है। तो अब इसके बेस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, कादे जैसे पूछे जाते हैं एमसीक्यू में या आपके एनटीएससी में, दो तीन कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, हमारे पास टू सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, ए एंड बी। बिल्कुल तुरंत आप आंसर बता देंगे, और हमें इनकी पीएच दे रखी है, ए की पीएच है 5 और बी की है 8। हमसे पूछ रहा है कि इनमें एसिड कौन है और बेस कौन है और एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कहां है। यानी कि पहला हमसे पूछ रहा है मोर एसिडिक एंड बेसिक, ये बताना है एसिड कौन है बेस कौन है, और मोर एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन कहां है, ये दो बात पूछ रहा है। तो पढ़ रखा आपने, 0 से 7 क्या है एसिड, 7 क्या है न्यूट्रल, एंड 7 to 14 क्या है बेस। तो बिल्कुल आसान हो गया, देखो 5 है यानी कि 7 से कम है, इट मींस इट इज एसिड, 8 7 से ज्यादा, इट मींस इट इज बेस। तो जिसकी पीएच 5 है ये एसिड है, जिसकी 8 है ये क्या है बेस है। मोर एसिडिक तो होगा एसिड ही होगा, और बेसिक का जिक्र ही नहीं है, तो आप ये मानो एसिड और बेस ही पूछ रहा है। क्या है मोर एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन, इस पर गौर करना आप कि एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन कहां पर ज्यादा है। तो एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन तो उसकी ज्यादा होगी जो ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि जो बेस है, बेस हम किसको कहते हैं जिसमें ओ एच नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो, क्योंकि एच पॉजिटिव और ओ एच ये दो पढ़े थे हमने, तो एसिड में इसकी ज्यादा होती है। देखो याद करो, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या आया था, एच पॉजिटिव इंटू ओ एच नेगेटिव। अगर इसकी कंसेंट्रेशन आपके पास ज्यादा है, इट मींस कि वो बेसिक है वो चीज। अगर इसकी है तो इसका मतलब क्या है, एच पॉजिटिव है तो एसिडिक है। तो इसमें तो ओ एच का होगा, एच तो डेफिनेटली इसके पास एच पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा है। बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, एक एमसीक्यू पूछ रखा है, सॉल्यूशन टर्न्स, आपने ये बताना है कि कौन सा सॉल्यूशन, पूछ रहा है रेड लिटमस इनटू ब्लू। रेड लिटमस को ब्लू में कौन सा सॉल्यूशन बदलेगा, ऑप्शनल क्वेश्चन है ये। ये है 4, सी है 5, डी है 10। इजीएस्ट क्वेश्चन, रेड को ब्लू में कौन बदलता है, बेस हम पढ़ चुके हैं पहले, और ब्लू को रेड में कौन बदलता है, एसिड, लिटमस।
और न्यूट्रल में क्या है, कलरलेस, क्योंकि उसका खुद का क्या था, लिटमस का कलरलेस था। तो इनमें बेस कौन सा छांट लो, ये एसिड है, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, ये बेस है, इसका मतलब आंसर है अपना डी। और क्वेश्चन देख लेते हैं एक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास सॉल्यूशन दे रखे हैं ए बी सी डी एंड ई, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। पीएच, इनकी पीएच दे रखी है 4, 1, 11, 7, 9। अब यहां तीन चार बातें आपसे पूछ रहा है, जैसे पहला पूछ रहा है कि इनमें कौन सा सॉल्यूशन न्यूट्रल है, बता दो छांट के तुरंत। सेवन वाला न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रल कौन है, डी। दूसरा आपसे पूछ रहा है विच इज स्ट्रोंग अल्कली, स्ट्रोंग अल्कली कौन सा है, बेस कौन सा है। तो पहले तो ये देख लो कि बेस है ही कौन कौन से, इसमें सेवन से ज्यादा एक तो इसके पास है, एक इसके पास है, तो इस तरफ जाते हैं जब स्केल में, तो क्या होता है, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, यानी कि ये सी, ये ज्यादा स्ट्रोंग अल्कली है। इसके बाद पूछ रहा है आपसे थर्ड में, ये वीक एसिड वीक बेस, अब यहीं पे पूछ रहा है वीक बेस या वीक अल्कली, तो वीक कौन सा होगा इनमें, ये ई। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, अब एसिड का नंबर है, ये अलग अलग इसने पार्ट्स में कर रखे हैं, मोर एसिडिक यानी कि स्ट्रोंग, कह लो स्ट्रोंग एसिड कौन सा है, तो जिसकी पीएच कम है वो ज्यादा स्ट्रोंग है, यानी कि ये है बी। ऐसे इस तरफ आते हैं तो स्ट्रेंथ बढ़ती है, और वीक एसिड कौन सा है, वीक एसिड ये रहा फोर, फोर नहीं सॉरी आंसर इज ए, ए का है फोर। और इसी में लास्ट क्या पूछ रहा है ये कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, इस पर गौर करना भी थोड़ा सा। अब आपसे पूछ रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, समझ गए होगे आप, जो जितना स्ट्रोंग एसिड है उसी की हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाना हमने, यानी कि पहले सबसे कम फिर ज्यादा फिर ज्यादा, तो सबसे कम किसमें है, इसमें है सी, इससे ज्यादा किसकी है, इसकी है यानी कि ई, इससे ज्यादा किसकी है, सेवन वाले डी, इससे ज्यादा किसकी है, फोर यानी कि ए की, और सबसे ज्यादा किसकी है, बी की, क्योंकि ये सबसे स्ट्रोंग एसिड है, तो एच पॉजिटिव का मतलब इसी में सबसे ज्यादा है, ये इनकी सीरीज होगी, ये क्वेश्चन थे। अब एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन भी कर लेते हैं यहीं पे पीएच का, क्वेश्चन है कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयंस एंड पीएच इन 0.005 mm सॉल्यूशन ऑफ बी ए ओ एच होल ट्वाइस एट 298 केल्विन, यानी कि रूम टेम्परेचर की बात कर रहा है, अज्यूमिंग दैट 298 केल्विन मींस 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर है, अज्यूमिंग दैट बी ए ओ एच होल ट्वाइस इज कंप्लीटली आयनाइज्ड, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, अंडर द गिवन कंडीशन, ये रिएक्शन दी हुई हमें बी ए ओ एच होल ट्वाइस, इट गिव्स
बी ए टू पॉजिटिव प्लस टू ओ एच नेगेटिव, ये क्या है? तीनों एक्वस है, एक्वस एक्वस, क्योंकि ये तोड़ने फोड़ने का काम एक्वस सॉल्यूशन में होता है, आप पढ़ चुके हैं पहले ही। तो ये हमें दिया हुआ है और अब से पूछ रहा है कि भाई इस की बताओ पीएच क्या है, पीएच बतानी हमने। तो इसमें बस एक ही बात है जो आपको ध्यान में रखनी है, इस रिएक्शन को गौर से देखिए। BaOH होल ट्वाइस, इसके कितने मॉलिक्यूल आपके पास हैं? BaOH होल ट्वाइस का एक मॉलिक्यूल आपके पास है और हमारा ताल्लुक किससे है? इसका एक मॉलिक्यूल है, इसके एक से ये इसे मैं मतलब नहीं, ये OH इससे मतलब है, क्योंकि pH में अगर किसी का रोल होगा तो pH को सिंपली अगर आपसे वन लाइन पूछ लें कि pH किसका खेल है, तो आपको बतानी है इट इज द एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। अगर वन लाइन हम बताएं तो क्या बताएंगे, हाइड्रोजन आयन की जो एक्टिविटी है, जो उछल कूद है, वही क्या है? पीएच है। अब आप सोचेंगे भाई ये क्या बात हुई, एच पॉजिटिव यहां है नहीं, कोई बात नहीं, ओएच तो है, अगर ओएच है तो एच का पता हम अपने आप लगा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, एक न्यूमेरिकल करते हैं पीएच के बेस के ऊपर। हमें क्या दिया हुआ है, कंसेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयंस और पीएच, हमने ये बताना है, एच पॉजिटिव कंसेंट्रेशन बताओ और पीएच भी बताओ इन 0.005 मोलर सॉल्यूशन ऑफ बेरियम ऑक्साइड एट 298 केल्विन, मींस रूम टेम्परेचर दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि अज्यूमिंग दैट बेरियम हाइड्रोक्साइड इज कंप्लीटली आयनाइज्ड अंडर द गिवन कंडीशंस, ये रिएक्शन अपने पास है। तो BaOH होल ट्वाइस जो है एक्वस, ये टूट जाता है Ba2 पॉजिटिव 2OH नेगेटिव में। तो एक ही बात यहां गौर करने की है, बाकी कोई दिक्कत इस न्यूमेरिकल में नहीं है। एक बात देखिए, आप जब 2OH नेगेटिव आयन आपको मिल रहे हैं तो यहां मॉलिक्यूल एक ही है, यानी कि इसका एक मॉलिक्यूल जब टूटता है तो 2OH नेगेटिव आयन आपको मिल रहे हैं। आप इनको बराबर करना चाहें, यानी कि ये एक टूटता है ये दो बनते हैं, तो इसको आपको दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये दोनों बराबर आएंगे, बिकॉज वन मॉलिक्यूल बी ए ओ एच होल ट्वाइस इज गिविंग टू ओ एच नेगेटिव आयंस, क्योंकि डिकम्पोजर के ये डिकम्पोज होके टू ओ एच नेगेटिव आयंस बना रहा है। तो कंसेंट्रेशन अब अगर मैं निकालना चाहूं किसकी, OH नेगेटिव आयंस की, तो वो क्या आएगी, इसको मल्टीप्लाई टू से जब बैलेंस बनेगा आपका, इसको BaOH होल ट्वाइस, ये आपको दी हुई है 2 × 0.005 मोलर, ये आ गई 0.01 मोलर। इसको पावर में चेंज करो, अपॉन करोगे इसको हटा के 100, यानी कि 10^-2, ये आपके पास क्या आई, ओएच नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन आई। अब आप ये देखिए कि आपसे ओएच की ही कंसंट्रेशन पूछी है, नहीं, आपसे हाइड्रोजन आयन की पूछी है और पीएच। चलो अपने उसी फार्मूले के ऊपर चलते हैं, हमने पढ़ा हुआ है टीडब्ल्यू किसके बराबर होता है, एच पॉजिटिव इंटू ओ एच नेगेटिव। अब ये अपने पास दी हुई है, कितनी है, 10^10, यानी कि या ये कह लो कि एच पॉजिटिव कह लो, क्या कर ही लो ऐसे ही, इसको निकालना है तो हम क्या करेंगे, के डब्ल्यू इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा अपॉन ओ एच माइनस, के डब्ल्यू की वैल्यू भी हमें पता है 14 से ज्यादा नहीं होती, दोनों का प्रोडक्ट क्या है 14 है, यानी कि एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ओ एच की कंसंट्रेशन प्लस कर दो तो ये 14 होता है, क्योंकि पीएच स्केल पे 14 है, इसे ज्यादा ही नहीं, तो इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू भी अब पता लग चुकी है, ये है। तो आपके पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी आई, 10^10, इसमें से सब्ट्रैक्ट करो
की पावर माइनस 12, ये तो आई हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन m मोलर के रूप में, यूनिट क्या है, मोलर कंसंट्रेशन है, यानी कि मोल्स पर लीटर में इसको एक्सप्रेस करते हैं। अब पीएच, तो पीएच आपको पता है, पीएच क्या है, इट इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, तो क्या आएगा ये माइनस लॉगरिथम 10 की पावर माइनस 12, 12 यहां नीचे उतर आएगा, माइनस और माइनस प्लस, अभी आपको बताया था लॉग 10 की वैल्यू है 1, यानी कि पीएच क्या आ गई आपके पास 12 आ गई। इस तरह से न्यूमेरिकल कोई भी आपको दे रखा है आप इसको सोल्व कर सकते हैं, बस ये फार्मूला आपने याद रखना है, और बाकी पीएच 10 की पावर एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन जो भी आती है, 10 की पावर जितनी भी आए माइनस में, वही उसकी क्या होती है, पीएच होती है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि ये जो पीएच है, जो इतनी देर से हम बात कर रहे हैं अलग अलग सब्सटेंसेस की है, क्या ये कहीं डेली लाइफ में, एवरीडे लाइफ में भी कहीं काम आती है, या केवल बस ये इसी तरह चलता रहता है। तो अब हम पढ़ेंगे पीएच की यूजेस अपने एवरीडे लाइफ में। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे पीएच की इंपॉर्टेंस क्या है डेली लाइफ में। तो सबसे पहले पीएच, तो सबसे पहले तो इसका जो हमने बेसिक चीजें पहले पढ़ी हैं वही आएंगी, कि कोई भी सब्सटेंस हमें दिया हुआ है उसकी पीएच निकाल के हम पता लगा सकते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक है, उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो फर्स्ट तो यही होगा, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ, जो भी सब्सटेंस हमें दे रखा है उसकी एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ का हम पता लगा सकते हैं। जैसे पढ़ चुके हैं पहले बहुत सी बातें, मान लिया आपको दे रखे पीएच 3 और एक पीएच दे दी 11, और हमसे पूछ रहा है भाई बताइए कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, तो हमें पता है 7 तक क्या होते हैं एसिड, 7 से आगे क्या होते हैं बेस, 7 पे क्या है न्यूट्रल, तो हम बता सकते हैं भाई ये जो है ये एक एसिड है और ये एक बेस है। तो पीएच का पता होने से हम कंपेयर कर सकते हैं एसिड और बेस को, और ये भी पता लगा सकते हैं कौन ज्यादा एसिडिक है कौन कम एसिडिक है, कौन ज्यादा बेसिक है कौन कम बेसिक है। दूसरी इंपॉर्टेंस इसकी अपने लिए तो काफी है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स का इसमें जिक्र है, डाइजेशन के लिए। तो हमारे शरीर में जो डाइजेशन है, पीएच ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, तो आप बायो में ये पढ़ चुके होंगे कि डाइजेशन के लिए हमारे स्टोमक में फॉर्म होता है गैस्ट्रिक जूस, जो फूड का डाइजेशन करवाता है, और इस गैस्ट्रिक जूस में होता है HCl, HCl यानी के एसिड। तो जब कभी इस एसिड की फॉर्मेशन ज्यादा हो जाती है, यानी के HCl की फॉर्मेशन, HCl क्या है एक एसिड है, अगर इसकी फॉर्मेशन ज्यादा होगी तो इसी को कहा जाता है एसिडिटी। कब ज्यादा हो सकती है, जब आप ज्यादा एसिडिक चीजें खाते हैं तब हो सकती है, या फिर ओवर ईटिंग, इसको भी आप याद रखना, जब ओवर ईटिंग हो जाती है, बहुत ज्यादा खाना खाया जाए, ओवर ईटिंग वगैरह हो जाए, तो उससे भी क्या होता है HCl की कंसंट्रेशन शरीर में बढ़ती है, बढ़ती है तो क्या हो जाएगा एसिडिटी। एसिडिटी मींस कि पेन होगा, इरिटेशन होगी एंड बर्निंग फीलिंग। तो जैसे ही यानी के एसिडिटी बढ़ गई, एसिड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई ओवर ईटिंग से, या तली हुई चीजें आप ज्यादा खाएं, चाय कॉफी इन चीजों का ज्यादा सेवन करें, तो क्या होगा आपको बर्निंग सेंसेशन होती है, पेन, यानी के पूरा आप ऊपर तक जब आप डकार लेंगे तो भी पेनफुल या खट्टी डकार आपको आएंगी, तो वो क्या होती है एसिडिटी होती है, HCl के ज्यादा फॉर्मेशन के कारण है। इट मींस अपने शरीर की जो पीएच है वो बैलेंस नहीं रही। इसका तरीका क्या है, कैसे अवॉइड करेंगे, सबसे पहला तो अवॉइड यही कि भाई एसिडिक फूड मत लो। बहुत से आदमी ऐसे होते हैं हमें से, डॉक्टर के पास जाते हैं और उसको ये बताते हैं कि सर चाय पीने से मुझे परेशानी होती है,
मैं दिन की बहुत सारी चाय पी लेता हूँ और एसिडिटी हो जाती है। तो भाई पहला इलाज तो इसका यही है कि चाय मत पियो, यानी कि अवॉइड करो ऐसी चीज़ों को। फिर भी अगर नहीं रुका जाता हो तो फिर है एंट एसिड्स, केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं एंट एसिड्स, वो आप ले सकते हैं ताकि पीएच बॉडी की बैलेंस हो जाए। ये बैलेंस कर देंगे। कैसे बैलेंस करेंगे भाई? एसिड की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो इसमें कौन सी चीज़ें होंगे, बेसिक चीज़ें होंगी, तो रिएक्शन आप पढ़ चुके हैं पहले, न्यूट्रलाइजेशन, एसिड की जो कंसंट्रेशन है एसिड को न्यूट्रलाइज कर देंगे बेस। जैसे फॉर एग्जांपल एंट एसिड के एग्जांपल बता रहा हूं आपको, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये एक एंट एसिड है। किसको कहते हैं? MgOH होल ट्वाइस, इसी का नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। या ALOH होल थ्राइस, ये भी एक एंट एसिड है। यह एक बहुत फेमस है रेनिटिडिन। तो ये चीजें क्या है? ये सारी ऐसी चीजें हैं जो एसिडिटी को खत्म करती हैं, यानी कि एसिड का मेन रोल है अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी। थर्ड, टूथ डिके, जब दांतों का डिके होता है, टूथ का डिके, उसमें भी पीएच का रोल है। अपने जो टूथ हैं इनकी जो व्हाइट कवरिंग है, जो बार कवरिंग है, इसको बोलते हैं टूथ एनामिल। और याद रहे बच्चों, ये क्या है? ये हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ बॉडी है, अपने शरीर में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है ये। तो इसके लिए भी हमें एक बैलेंस्ड पीएच चाहिए। जब कभी अपने माउथ के अंदर पीएच का बैलेंस बिगड़ता है, यानी कि व्हेन पीएच बिकम्स लेस देन 5.5, 5.5 से 5.5 से कम पीएच अगर हो जाए, उस समय क्या होगा? ये जो इनामिल है ये कोरोड होना शुरू हो जाएगा, खत्म होना शुरू हो जाएगा, ये कोरोड हो जाएगा, इनामिल कोरोड्स। अगर इनामिल कोरोड हो गई, इट मींस टूथ डिके स्टार्ट्स, भाई ये टूथ खराब होना शुरू हो जाएंगे, टूथ डिके स्टार्ट्स। कैसे हो सकता है? इसके कुछ भी कारण हो सकते हैं, कई हो सकते हैं। जैसे कि मान लिया आप शुगर से बनी हुई चीजें, स्वीट्स वगैरह ज्यादा खाते हैं, या फिर आप चॉकलेट्स ज्यादा खाते हो। तो जब आप स्वीट्स, सुगरी सब्सटेंसेस, चॉकलेट्स ये खाते हैं तो क्या होता है, इनके कुछ पार्टिकल्स अपने मुंह के अंदर रह जाते हैं, और जब वो रह जाएंगे तो वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि जो अपने पास सुगर है भाई, सुगर के पार्टिकल्स रह गए मुंह के अंदर, उसको क्या करेंगे, बैक्टीरिया जो प्रेजेंट है अपने माउथ के अंदर, जो बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं वो क्या करेंगे, इसको लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं। फिर से सुन लीजिए, सुगरी सब्सटेंस, चॉकलेट्स, ये जो भी चीजें आपने खाई, इनके कुछ कण पार्टिकल्स अपने माउथ में बचे रह गए। बैक्टीरिया ने क्या किया, उन सुगर को, जो सुगरी थी सब में, उसको किस में बदल दिया, लैक्टिक एसिड में। अगर लैक्टिक एसिड में बदल दिया तो इट मींस उसकी पीएच कम हो रही है। अगर ये होगा तो क्या हुआ, पीएच कम, पीएच कम होगी तो एसिडिटी बढ़ती है, आप पढ़ चुके हैं पहले। और जब ऐसा होगा, पीएच कम हो जाएगी तो एसिडिटी बढ़ेगी, इनामिल क्या हो जाएगा, कोरोड हो जाएगा। इसको कैसे अवॉइड करें, वही बात, ऊपर वाली बात है भाई, अवॉइड सुगरी सब्सटेंसेस। पहली तो कोशिश ये करिए कि इनका कम सेवन कीजिए। दूसरी बात, क्लीन योर माउथ, जब भी आप खाना खाते हैं तो इसके बाद खाना खाएं, या स्वीट चीजें खाएं तो इसके बाद अपने माउथ को क्लीन करना चाहिए, ताकि बैक्टीरिया भी ना रहें और ये भी ना रहें, तो उससे फिर एसिड में कन्वर्जन नहीं होगा, तो टूथ डिके इससे रोका जा सकता है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट अपने पास है सोयल के बारे में बात कर लेते हैं। तो जब प्लांट्स ग्रो करते हैं तो प्लांट्स ग्रोथ के लिए भी एक बैलेंस्ड पीएच की जरूरत होती है। भी प्लांट्स आपने ग्रो करना है तो कोई ऐसी थोड़ी होता कि किसी प्लांट का आप बीज लेंगे और कहीं पे फर्श पे डाल देंगे और फिर इंतजार करेंगे कि भाई यही फसल उग जाएगी, ऐसा नहीं होता। उसके लिए सारी कंडीशंस आपको चाहिए, सोयल भी सही हो, वाटर भी हो, कहीं आपको फर्टिलाइजर्स की जरूरत पड़ेगी। तो इसी तरह जब प्लांट्स ग्रोथ करते हैं तो उसके लिए बैलेंस्ड पीएच की जरूरत होती है। लेकिन होता क्या है कि कई बार तो सोयल ज्यादा एसिडिक हो जाती है और कई बार क्या होता है सोयल ज्यादा बेसिक हो जाती है, फिर इनका इलाज करना पड़ता है। अगर सोयल ज्यादा एसिडिक है तो इस पर क्या कीजिए, आप जो लाइमस्टोन है वो या पाउडर्ड चाक इसे कवर कर दीजिए, यानी कि कवर कर या मिला दो कवर्ड लाइमस्टोन पाउडर, पाउडर्ड फॉर्म में लेना है और चोक ये भी पाउडर्ड में। तो जब कभी एसिडिक सोयल होगी तो आप ये मिला दें, रिएक्शन फिर वही होगी, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी, सोयल की पीएच बैलेंस हो जाएगी। और अगर आपके पास सोयल बेसिक है तो इसके अंदर आप जैसे कंपोस्ट है या मैन्यूर्स हैं, खाद उर्वरक ये जो चीजें हैं वो आप इसके अंदर डाल देंगे तो क्या होगा, इन चीजों में क्या है, ये चीजें क्या हैं, ये खुद क्या है एसिडिक, तो ये इस बेसिक को खत्म करेंगी। ये खुद क्या है, ये बेसिक, ये इसकी एसिडिटी को खत्म करेंगी। तो पीएच क्या होता है, बैलेंस हो जाती है। कई बार पीएच इतनी डिसबैलेंस हो जाती है, जैसे कि सोयल की पीएच है ये बढ़कर कई बार 8.4 तक पहुंच जाती है, और अगर 8.4 पहुंच गई इसका मतलब प्लांट की ग्रोथ रुक गई। इसी तरह जो बेसिक होती है, सॉरी गलत बता दिया, ये है 4, कई बार पीएच उल्टा लिख दिया, एसिडिक, तो एसिडिक जब होती है तो पीएच 4 तक आ जाती है जो ग्रोथ नहीं होने देगी, और बेसिक होती है तो वो कहां तक पहुंच जाती है 8.4 तक, तो वो भी प्लांट का ग्रोथ नहीं होने देती। तो इस तरह से हमने पीएच को क्या करना होता है, बैलेंस करके रखना होता है। और है अभी और पढ़ते हैं एवरीडे लाइफ में क्या क्या यूज है। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट यूज है, बहुत से ऐसे इंसेक्ट्स हैं या ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना डिफेंस करते हैं और उसमें भी पीएच का सहारा ले लेते हैं। जैसे ये हो गया अपने पास जो भी है फिफ्थ या सिक्स्थ जो भी था, स्टिंग ऑफ बीज एटसेट्रा, और इसको हम कहेंगे कि सेल्फ डिफेंस, ये अपना सेल्फ डिफेंस करती हैं जो भी, जैसे कि मधुमक्खी वगैरह होती हैं, तो जैसे ही ये अपने पास आती हैं तो अपने डिफेंस के लिए क्या करती हैं, स्टिंग करती हैं, डंक मारती हैं, जिसकी वजह से ये कुछ केमिकल्स छोड़ती हैं अपने अंदर जो एसिडिक हो सकते हैं या बेसिक हो सकते हैं, फिर उससे भी फिर बर्निंग सेंसेशन होती है और फिर उसको फिर हमें न्यूट्रलाइज करना पड़ता है। सेल्फ डिफेंस बाय, इसको बोल देते हैं केमिकल वारफेयर, क्योंकि केमिकल का सहारा लेकर ये देखो युद्ध की घोषणा कर रहे हैं, जैसे कि बीज हैं या दूसरी चीजें हैं। अब जैसे कि हम पहले बात करें, एनिमल्स हैं और प्लांट्स भी हैं इसमें, जैसे बीज है तो जब इन की सेल्फ डिफेंस का मतलब यह है कि जब बीज स्टिंग करेंगे, डंक मारेंगे तो क्या होगा, इससे केमिकल रिलीज होता है, एसिड रिलीज होता है जिसका नाम है मिथेनोइक एसिड। जैसे ही मधुमक्खी ने आपको कहीं से भी काट लिया तो क्या हुआ, उसने इंजेक्ट कर दिया आपके अंदर, क्या छोड़ दिया, मिथेनोइक एसिड, और इससे क्या होता है बहुत ज्यादा पेन होता है और बर्निंग सेंसेशन होती है, यानी कि अगर आप हाथ लगा के देखेंगे
तो जो भी एरिया अफेक्टेड है वो आपको गर्म दिखेगा, क्योंकि बर्निंग सेंसेशन है और उससे बहुत ज्यादा पेन भी होती है, इरिटेशन भी होती है। ये अलग से काम मिल जाता आपको, इरिटेशन होगी, खुजली कर सकते हैं बैठे बैठे, खाली नहीं रहेंगे आप। तो मिथेनोइक एसिड क्या किया, इंजेक्ट कर दिया, जिसे पेन हुई, बर्निंग सेंसेशन हुई और इरिटेशन हुई। इलाज, इलाज तो धीरे धीरे वैसे तो अपने आप ठीक होता है, फिर भी एसिड है तो उसका इलाज हो सकता है। जैसे कि आप अप्लाई कर सकते हो इसके ऊपर सोप सॉल्यूशन, क्योंकि सोप क्या है, बेसिक है, या वॉशिंग सोडा, वो आप लगा देंगे तो क्या होगा, बेसिक है, वो एसिडिटी को कम करेगा, आपको थोड़ा बहुत रिलीफ इससे मिल सकता है। इसमें क्या है, एसिड प्रोड्यूस हुआ, कैसे खत्म करेंगे, इस पर सोप सॉल्यूशन आप अप्लाई करो। दूसरा, ये जरूरी नहीं कि एसिड ही हो, ऐसा भी हो सकता है कि अल्कलाइन या बेसिक चीज छोड़ी जाए, जैसे कि वास्प जो होते हैं इंसेक्ट्स, ततैया बिरड जिसको बोल देते हैं, तो वो क्या करते हैं, ये अल्केलाइन सब्सटेंस छोड़ते हैं, और अल्केलाइन छोड़ देंगे इसको भी क्या करना पड़ेगा, हमने वही होगा इससे भी पेन सेंसेशन बर्निंग की जो पहले हुआ था। क्या कर सकते हैं इसके लिए, इसके लिए एसिड चाहिए, यानी कि इसको भी हमने क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप एसिड का यूज कर सकते हैं, जैसे विनेगर, सिरका जो होता है घरों में अवेलेबल हो जाता है, अचार में डाला जाता है, प्रिजर्वेटिव का काम करता है। तो इसमें विनेगर के अंदर क्या होता है, इसमें एसिड होता है, कौन सा एसिड है, इथेनोइक एसिड। आयुर्वेदिक नेम है, सिंपल नेम इसका, कॉमन नेम क्या है, एसिटिक एसिड। तो ये होता है, ये आप अप्लाई करेंगे तो इसका अल्कलाइन इफेक्ट कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब कुछ ऐसे, ये तो क्या पढ़े हमने, इंसेक्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये चीजें, प्लांट्स भी ऐसे होते हैं जो इस काम को करते हैं, जैसे नीटल प्लांट्स, नीटल प्लांट्स हैं, हर्बेसियस प्लांट्स होते हैं। अब इन पर क्या होते हैं, कांटे कांटे से होते हैं, तो बाय चांस जैसे ही आदमी इनको टच करता है तो वो कांटा लग जाता है और उसमें एसिड होता है, फिर मिथेनोइक एसिड। इससे आपका ऊपर अभी सामना हो चुका है बीज में, तो मिथेनोइक एसिड वही करेगा, करना तो सब नहीं है, पेन इरिटेशन। अब इसका इलाज, फिर एक तो खासियत ये है, सुविधा की बात ये है कि जहां नीटल प्लांट्स होते हैं ना, अक्सर उन्हीं के साथ में बिसाइड देम और प्लांट्स पाए जाते हैं, जैसे डॉग प्लांट्स, तो उनके आप लीव्स ले सकते हैं और वो जो भी उनमें से लिक्विड निकलेगा वो आप लगा सकते हैं, क्योंकि वो बेसिक होता है। या दूसरा फिर सोप सॉल्यूशन और ये वॉशिंग सोडा, बाकी सारे ऑप्शन आपके पास हैं। तो ये क्या है, ये सेल्फ डिफेंस है ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, केमिकल वारफेयर भी कहते हैं, इसका भी पीएच से ताल्लुक है, यानी कि ये डेली लाइफ में हमारे सामने आता है। नेक्स्ट सिक्स, शायद ये फाइव होगा जो भी, चलो देख लेना सिक्स। नेक्स्ट है, अब जैसे कि एक्वेटिक लाइफ होती है उसमें भी पीएच का रोल होता है। एक्वेटिक लाइफ मींस जो जल के अंदर जो पौधे या जीव पाए जाते हैं, फाइटोप्लैंक्टोन्स एंड जूप्लैंक्टोन्स, फाइटो मींस प्लांट्स, तो पानी के अंदर जो पौधे पाए जाएंगे उनको फाइटोप्लैंक्टोन्स बोलते हैं, और जो जीव जंतु पाए जाएंगे उनको जूप्लैंक्टोन्स बोलते हैं। तो एक्वेटिक लाइफ के लिए भी पीएच बहुत जरूरी है, इनकी जो पीएच है ये होनी चाहिए, शुड बी 7 to 7.8। लेकिन इनका भी कई बार खेल बिगड़ जाता है, और वो खेल बिगाड़ती है एसिड रेन। एसिड रेन इस पीएच को डिसबैलेंस कर देती है। कैसे करेगी, एसिड रेन का आपको पता है, रेन में क्या है, वाटर है H2O, और ऑक्साइड्स हैं जैसे कि कार्बन का ऑक्साइड है CO2, तो दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, H2CO3, ये एसिड है कार्बोनिक एसिड। तो एसिड रेन क्या होती है, द रेन वाटर कंबाइंस विद एसिडिक ऑक्साइड्स एंड फॉर्म एसिड, यानी कि आप ये मानो बादलों ने तो वाटर ही भेजा था, लेकिन बीच में एसिडिक ऑक्साइड आ गए एनवायरमेंट में, वो उसके साथ मिल गए,
साथ मिल गए तो एसिड बन गए, तो जो पानी की बरसात थी वो एसिड की बरसात बन गई। इसी तरह सल्फर वाले हैं तो H2SO4 बना लेंगे, नाइट्रोजन वाले हैं HNO3 बना लेंगे, तो ये एसिड रेन होती है। तो वाटर जहां भी आएगा भाई, आखिरकार वो जाना तो है ही, कहीं भी जाएगा, झील में, तालाब में, सी में, रिवर में, कहीं भी जाएगा तो वहां एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स तो हैं, तो उनकी एसिडिटी भी क्या होती है, डिसबैलेंस हो जाती है। तो ये सारी बातें थी कि पीएच का एवरीडे लाइफ में क्या रोल है, ये आपने पढ़ लिया। डाइजेशन में है, टूथ डिके में है, या फिर स्टिंग्स में है, या फिर ये एक्वेटिक लाइफ में है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट पीएच।